साक्षी भाव में सब देख रहे हैं। अब संकल्प आपने जो चूज किया है उसको मानसिक रूप से तीन बार दोहराइए साफ साफ शब्दों में, क्लियर प्रोनाउंसिएशन करते हुए, शॉर्टकट नहीं मारना। संकल्प में बड़ी शक्ति है, जो भी आप चाहे वो होने लगता है। अब आपका शरीर बहुत ही रिलैक्स है, तो देखिए शरीर को देखिए कितना रिलैक्स है, एकदम लाइट हो गया, हैवीनेस नहीं है, एकदम लाइट हो गया। पहले जब आपने शुरू किया तो हैवीनेस को महसूस किया और धीरे धीरे आपने उसको और रिलैक्स किया तो शरीर आपका बहुत हल्का फुल्का, इसको और हल्का फुल्का करिए। आपने मन का इतना हल्का फुल्का करिए कि यू कैन लिफ्ट योर बॉडी अबाउट द फ्लोर एंड ड्रॉप इट इन द एयर। कल्पना करिए कि आपका शरीर जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई में हवा में तैर रहा है। अब अपने शरीर को अपने छत के ऊपर ले जाइए, ये आपका जो सूक्ष्म शरीर है ये इसको मूव कर रहा है, इसको ना पानी भिजा सकता है ना आग जला सकती है, कोई उसमें लिए कोई व्यवधान है नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, जहाँ चाहे आप इसको ले जा सकते। तो अपने छत के ऊपर ले जाइए बिल्डिंग के ऊपर, वहां से अपने बिल्डिंग का नजारा देखिए, अपने कॉलोनी का नजारा देखिए, और जो लोग अनुशक्ति नगर या जिन्होंने अनुशक्ति नगर देखा है वो बहुत ही खूबसूरत कॉलोनी है। पूरा थोड़ा सा ऊपर ले जाइए शरीर को, और ये कॉलोनी जो है 8-10 किलोमीटर लंबाई में है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, स्क्वायर है बिल्डिंग के, ब्यूटीफुल लॉन्स है, ब्यूटीफुल रोड्स है, ब्यूटीफुल फुटपाथ है, बहुत ही बढ़िया है। रोड के दोनों तरफ बहुत ही पाम ट्री है, बॉटल पाम, बहुत ही खूबसूरत नजारा है, फवारे हैं, सारे सीन को देखिए अपनी कॉलोनी में या जो भी कॉलोनी में आप रहते हैं पूरी कॉलोनी को खूबसूरती को देखिए, और ऊपर अपने शरीर को ले जाइए, अपने पूरे शहर को देखिए। अभी अंधेरा है, सुबह नहीं हुई है, कल्पना करिए तो स्ट्रीट लाइट है, छोटी छोटी रोड पे उनके प्रतिबिंब को देखिए, और ऊपर ले जाइए अपने शरीर को, पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकालिए, पृथ्वी का नजारा देखिए। जब पृथ्वी के ऑर्बिट से आप बाहर आ गए आसमान में तो पृथ्वी बड़ी खूबसूरत लग रही, ग्रीन एंड ब्लू गोला, नॉर्थ पोल साउथ पोल देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब पृथ्वी की परिक्रमा, ये आपका पैरेंट ग्रह है, 9 ग्रह में से 1 ग्रह है, तो इसकी परिक्रमा करिए। पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद दूसरे जो 9 ग्रह हैं जो सूरज के बहुत ही नजदीक है की परिक्रमा करेंगे तो आपका शरीर खूब गर्म है, बहुत गर्म, गर्मी को भी महसूस करिए और परिक्रमा भी कर रहा है। नजदीक के ग्रह की परिक्रमा किए, फिर दूसरे ग्रह में जाए तो गर्मी थोड़ी कम है, फिर तीसरा ग्रह आपकी पृथ्वी है इसकी परिक्रमा हम कर ली, फिर इससे दूर जाइए, और ऐसे करते करते 9 ग्रह की परिक्रमा। दूर का सैटर्न है, बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत ठंडा है यहाँ पे, तो आपके बदन को ठंडा लग रहा है। ऐसे करके एक एक करके 9 ग्रह की परिक्रमा कर दी, उनकी परिक्रमा की मतलब उनके आपने स्तुति कर ली, पूजा कर ली। अब सब 9 ग्रहों की परिक्रमा करने के बाद वापस अपने पृथ्वी के ऑर्बिट में आ जाइए। पृथ्वी के ऑर्बिट में आ गए आप, उसकी खूबसूरती को निहारते हुए धीरे धीरे नीचे आइए, नीचे आकर के हिंदुस्तान को देखिए, ऊपर से कितना खूबसूरत लग रहा है, पेनिनसुला इंडिया का, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिमालय के पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं, खूबसूरत पहाड़ियाँ, मैदान गंगा जमुना का मैदान, नीचे और नीचे पठार, बड़ी खूबसूरती इंडिया की खूबसूरती इसके जो है किनारे, समुद्र के किनारे, और
और नीचे आ जाइए अपने पम हिसार में आ जाइए जहाँ पर या जो भी आपका सार है उसमें आ जाइए, उसकी खूबसूरती को देखिए। अब नीचे जब आए हैं तो आपके कॉलोनी में या जहाँ पर भी आप हैं वहाँ के खूबसूरत लॉन है, उस लॉन में अपने पीठ को टिका दिए। यू आर लाइंग ऑन योर बैक, एकदम आरामदायक स्थिति में आप लॉन के ऊपर टिके और आपका चेहरा पूरब दिशा की ओर, ऐसी कल्पना आप करें पूरब दिशा की ओर। अभी सूरज उगा नहीं, उगने वाला है, सूरज की रोशनी हॉरिजॉन में जहाँ पर कि काले सफेद और भूरे बादल है, तो पूरे हॉरिजन में हल्की हल्की रोशनी आ रही है, ब्यूटीफुल स्कीन टू लुक है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है सूरज की रोशनी जो गोल्डन रेज है वो बादलों के ऊपर, और जब हवा से वो बादल अपने शेप चेंज करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नजारा है, सेकंड में वो चेंज हो रहा है नजारा, ओवरऑल खूबसूरती एक जैसा है मगर बादलों के कारण उनके मूवमेंट के कारण उसमें जो चेंज हो रहा है वो जो खूबसूरती आपको दिख रही है उसका आनंद लीजिए। सूरज की किरणें उनको आप महसूस कर रहे हैं, धीरे धीरे सूरज के लाल गोले को देख रहे हैं आप, समय के साथ ये आर्क जो है लाल आर्क उसका साइज बढ़ता चला जा रहा है और धीरे धीरे पूरा सूरज उग गया है, तो लाल गोला जो है पूरे लाल गोले को आप पूरब दिशा में देखते हैं, बहुत ही सुनिंग लगता है, सारा एटमोस्फियर लालिमा से भर गया है, जहाँ भी सूरज की किरणें गिरती है सारे ऑब्जेक्ट ऐसा लगता है जैसा सोने के बने। और जो लोग पहाड़ों के नजदीक हैं, हिमालय के नजदीक हैं, तो हिमालय की चोटी पे जब सूरज की किरणें गिरती हैं तो ऐसा लगता है कि ये पहाड़ की चोटियां जो है सोने की बनी हुई है, डिफरेंट सेट्स ऑफ द गोल्डन कलर, तो ब्यूटीफुल सीन टू लुक एट। अब धीरे धीरे सूरज जो है पूरा उग गया है, नाउ इट इज गिविंग अ ब्राइट व्हाइट लाइट, सूरज जब काफी आसमान में थोड़ा ऊपर उठ गया है तो उसकी चमक जो है और उसकी गर्मी को आप महसूस कर रहे हैं। फील द सूदिंग वार्मथ ऑफ द मॉर्निंग सन रेज ऑन योर बॉडी, इंटायर बॉडी सूरज के ये फायर किरणें, इट हैज गॉट ए हीलिंग प्रॉपर्टी, इट हैज गॉट ए क्योरिंग प्रॉपर्टी। महसूस करिए सूरज की हल्के हल्के सूदिंग वार्मथ को अपने बदन सारे बदन में महसूस करिए, और जो उसकी ये फायर की किरणें हैं वो आपके शरीर में प्रवेश हो रही हैं, तो प्रवेश होते हुए आपके शरीर में कहीं पर कोई बीमारी है तो इट इज बीइंग हील्ड, इट इज बीइंग क्योर। सूरज की हल्की हल्की तपन को अपने स्कल पे अपने ब्रेन पे महसूस करिए, और आपके स्कल में या ब्रेन में कोई डिफॉर्मिटी है तो वो सूरज के या फायर के पेनिट्रेशन से ठीक हो रही है, ऐसी कल्पना ऐसा विश्वास ऐसा मन रखिए तो होने लगता है। फील द पेनिट्रेशन ऑफ मॉर्निंग सन रेज ऑन योर इंटायर फेस, आपके चेहरे की चमक हो रही है, आपका चेहरा दीप्तिमान चमकदार खूबसूरती बढ़ रही है। फील द पेनिट्रेशन ऑफ मॉर्निंग सन रेज ऑन योर स्पाइनल कॉलम, इंटायर लेंथ पूरी लंबाई में आपके रीढ़ की हड्डी में सूरज की मिनी मिनी गर्मी को सूदिंग वार्म को अपने पूरे रीढ़ की हड्डी में उनके जोड़ों में महसूस करिए। अगर आपके स्पाइनल कॉलम में कोई डिफॉर्मिटी है कोई पेन है तो विद द पेनिट्रेशन ऑफ योर फायर इट इज बीइंग हील्ड, इट इज बीइंग क्योर, आप स्वस्थ से स्वस्थतम बनते जा रहे हैं। फील द पेनिट्रेशन ऑफ मॉर्निंग सन रेज टू योर नेक टू योर शोल्डर शोल्डर जॉइंट डाउन टू योर आर्म्स, आपका एल्बो फोर आर्म्स आपके उंगलियों के जोड़ तक यानी कंधों से लेकर के आपके उंगलियों के कोरों तक सूरज की हल्की हल्की गर्मी को महसूस करिए सूदिंग वार्म से, और एफआईआर के प्रवेश से जोड़ों का कोई दर्द है तो ठीक हो रहा है, ऐसी कल्पना ऐसा विश्वास ऐसा मन रखिए। फील द पेनिट्रेशन ऑफ मॉर्निंग सन रेज टू योर चेस्ट चेस्ट केज ऑर्गन्स विद इन योर चेस्ट केज, उनमें कोई डिफॉर्मिटी आपके हार्ट में या लंग्स में तो वो सूरज के
एफआईआर के पेनिट्रेशन से वो ठीक हो रही है, उसका हीलिंग प्रॉपर्टी है, हीलिंग क्योरिंग प्रॉपर्टी है। फिर द पेनिट्रेशन ऑफ मॉर्निंग सनरेज टू योर बेली, ऑल द हॉर्मोन्स विदिन योर बेली, सारे अंगों की कार्य प्रणाली सुधर रही है, कोई बीमारी है तो ठीक हो रही है। फिर द कूलिंग वार्म एंड द पेनिट्रेशन ऑफ एफआईआर ऑन योर हिप जॉइंट, डॉट योर थाई, knee joint, your calf muscles, your ankle joint, your hip and up to your toe, आपके कमर से लेकर के आपके पैर के टो तक सूरज की हल्की हल्की गर्मी को, मिनी मिनी गर्मी को, सूर्य वार्म को महसूस करिए। और एफआईआर के प्रवेश से कहीं पर जॉइंट पेन है, कोई तकलीफ है तो ठीक हो रही है। सारे शरीर में जितने भी आपके सिस्टम है उन सिस्टम को एक एक करके देखिए, मन क्या हो सके, जैसे आपका इंडोक्राइन सिस्टम है, सूरज की हल्की हल्की गर्मी से उनकी फंक्शनिंग सुधर गई, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरू होता है, हेड आपकी है, ऊपर का ग्लैंड अगर ठीक से काम कर रहा है, नीचे का भी ठीक से काम करता है, इस तरीके से आपके आटम ग्लैंड पर देखिए। आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एक्सटर्नल ब्रीदिंग है, यानी एक्सटर्नल ब्रीदिंग आप सांस लेते हैं नाक से लंग्स से, और लंग्स से सांस बाहर छोड़ते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल ब्रीदिंग को भी देखिए, इंटरनल ब्रीदिंग आपकी ऐसी है कि जब आपने ऑक्सीजन ले लिया वो आपके खून में मिश्रित हुआ और वहाँ से सारे शरीर में उसका प्रभाव हो रहा है, वो आपकी इंटरनल ब्रीदिंग हो रही है। और वापस आते हुए आपके सिराओं से खून का प्रवाह, न्यूट्रिशन सारे शरीर में एक एक अंग, एक एक अंग, एक एक सेल में पहुँच रहा है। और वेन्स के द्वारा आपकी जो सिराएं और धमनी, धमनियों के द्वारा जो खड़ा खून है वो वापस आ रहा है, और फिर लंग्स में ऑक्सीजन मिल गया, फिर वापस ही सर्कुलेट हो रहा है। ये सारी प्रणाली सूरज के जो एफ आई आर की गर्मी है और जो सूर्य वार्म है उससे जो आपको गर्मी मिल रही है, जो कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है, उससे उसकी फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो अपने मन के आंखों से देखिए कि आप लेटे हुए आपका शरीर एकदम स्वस्थ हो गया, बहुत ही निरोग हो गया, कोई बीमारी नहीं है, हल्का फुल्का अपन महसूस करिए शरीर में। और धीरे से सहजते से इस प्रक्रिया से बाहर आता है, तो मन के आंखों से सारे शरीर को देखिए, देखिए आपका स्वस्थ शरीर जमीन में लेटा हुआ है, आपकी सांस बहुत ही मंद मंद चल रही है, बहुत ही स्लो, यानी एक मिनट में 7-8 मैक्सिमम, इससे कम ही चल रहा है। जितना आप रिलैक्स करेंगे आपका बीपी, आपका पल्स रेट भी बहुत ही स्लो है। शरीर में धीरे से चेतना को लौटाएंगे, तो चेतना को लौटाने के लिए हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाइए, हल्का सा दोनों पैरों को हिलाइए, तो उसको लेफ्ट राइट करिए थोड़ा पैरों को, अपने पंजों को धीरे धीरे पास में लाइए, लेफ्ट हैंड को जमीन में ही सर की ओर घुमाइए, चाहे तो तकिया जैसा बना के हथेली को सर के नीचे रखिए, चाहे तो सीधा रखिए, तो भी आपको कंफर्टेबल लगे। राइट पाम को पेट पे रखिए, राइट पैर को घुटने से मोड़िए एंड टर्न टू योर लेफ्ट साइड, और राइट हथेली को जमीन में पेट के सामने छाती के सामने रख लीजिए, दोनों पैर आपके घुटने से मोड़े हुए, बड़े आराम से आप लेटे हुए, बहुत ही मंद मंद सांस चल रही है, बहुत ही धीरे धीरे सांस चल रही है। सांस की ध्वनि को सुनिए, श्वास प्रश्वास, इन्हें सांस लेते हुए सो और सांस छोड़ते हुए हम की ध्वनि को सुनिए। और भी महीन ध्वनि आपका हार्ट बीट या पल्स रेट सुन पाते हैं तो ठीक है, नहीं सुन पाते तो कोई ना, आंखें बंद रखते हुए या आधी बंद आधी खुली रखते हुए हाथ का सपोर्ट लेकर के धीरे से बैठ जाइए, और बैठने के बाद बहुत स्लोली स्लो मूवमेंट से बैठ जाइए। बैठने के बाद ट्रंक को ऊपर की ओर तानिए, ऐसा खींचिए थोड़ा सा ऊपर, और खींचने के बाद फिर उसको ढीला छोड़िए। नमस्कार के क्वेश्चन में आ जाइए, सहजता से सांस भरिए, संत पर ओ
सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। हाथ पीछे बांध करके अगर मुंह नमन करना चाहते हैं तो सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए। सांस लेते हुए वापस आइए। रब योर पॉम्स मेक देम लिटिल वार्म। जब हथेली में शुद्धि वार्म क्रिएट हो जाए तो कप से बना के चेहरे को ढक लीजिए और इन्हें रखिए। फिर कपाल की मालिश, पिंपल की मालिश, गालों को सराइए, गले को, छाती को, भुजाओं को, जंघाओं को, जहां जहां मालिश करना चाहते हैं शरीर में मालिश करिए, सराइए। नीचे देखते हुए पलकें झपकाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए। राइट को देखिए, लेफ्ट को देखिए, फिर सामने देखिए और फिर अपने मित्रों के दीप्तिमान चेहरे को देखिए और अपने चेहरे को भी दिखाइए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद में हूँ। आई एम हेल्दी, आई एम कूल, आई एम हैप्पी। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। हैप्पी एंड यंग बॉय, हैप्पी एंड यंग बॉय। Thank you, sir. Very good.